दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रोन ड्रॉप के बारे में। दोस्तों इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, इसको किस कंडीशन में यूज करना है, इसकी डोज क्या है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, बेनिफिट क्या है दोस्तों। तो ये सब वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो मैं हूँ राहुल और आपका स्वागत है राहुल फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आर्बिट्रोन ड्रॉप के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं आर्बिट्रोन ड्रॉप के बारे में दोस्तों। इसको कैसे यूज करना है, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसको किन लोगों को यूज करना चाहिए दोस्तों। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो आर्बिट्रोन ड्रॉप दोस्तों अगर हम बात करें आर्बिट्रोन ड्रॉप के कम्बिनेशन के बारे में दोस्तों, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, एल लाइसिन, हाइड्रोक्लोराइड ड्रॉप, यानी कि ये बच्चों का ड्रॉप है आर्बिट्रोन। और दोस्तों ये सीरप भी आता है, बड़ा भी आता है और ये तो 15 ml यानी कि 15 ml का ड्रॉप है और 130 ml में आता है वो सीरप होता है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं आर्बिट्रोन ड्रॉप के बारे में, इसको कैसे यूज करना है दोस्तों। कम्बिनेशन हमने बता दिया है आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12। यदि आपका बच्चा 1 से 5 महीने के बीच में है और उसको कमजोरी है, अगर उसके खून की कमी है, बच्चा पतला है, दुबला है और अगर कमजोर है, तो उस कंडीशन में आप आर्बिट्रोन सी दोस्तों। इस आर्बिट्रोन ड्रॉप को अगर हम बात करें बच्चों को कैसे देना है, तो इसको देने का सही तरीका है दोस्तों, आपको 4-4 बूंद सुबह शाम देना है दोस्तों। और आपको 1 महीने तक दोस्तों पिलाना है। अगर बच्चा 1 से 2 महीने के बीच में है तो उसको 3 बूंद देना है, और अगर 2 से 3 महीने के बीच में है तो आप इसको दे सकते हो 5 बूंद दोस्तों। पाँच ड्रॉप इसको आप सुबह शाम पिला सकते हो, आपका बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, खून बनना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा आपका दूध भी पिएगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करते आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।